बच्चों नमस्कार। आज हम हिंदी गद्य का विकास जो है कक्षा 10 के लिए विषय हिंदी आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें आप देखेंगे हिंदी गद्य का जो संक्षिप्त विकास, गद्य का स्वरूप, गद्य है क्या, पहले ये समझिए कि हम अपने विचारों और अभिव्यक्तियों की क्षमता जो है कि जो प्रकृति हमें मिली है वह गद्य के माध्यम से मिली है। जो विचार भाव का अभिव्यक्ति का माध्यम है उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से निर्मित है जिसका तात्पर्य कहना या बोलना। हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को हम स्पष्टतया समझते हैं, उसी का नाम है जो है भाषा। लेकिन भाषा के माध्यम से अपने विचारों भावों अनुभूतियों को हम दो रूप में व्यक्त करते हैं, एक गद्य रूप में और दूसरा पद्य रूप में। गद्य जो होता है वह खड़ी बोली में और उसकी भाषा परिष्कृत परिमार्जित होती है, और जो पद्य होता है वह छंदबद्ध होता है। ऐसी रचना जो छंद के बंधन से युक्त हो उसे हम पद्य कहते हैं, और ऐसी रचना जो छंद के बंधन से मुक्त हो उसे हम गद्य कहते हैं। अब जो गद्य होता है, गद्य कवि नाम निक्षम वदंत, गद्य कवियों की कसौटी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जैसे प्रवर आलोचक ने कहा है कि गद्य जो होता है, गद्य में लेखक अपने विचार को जो है ठूस ठूस कर जो है भर देता है विचारों को, और जो पद्य में, पद्य में कोई चीज जो है वह स्मरण होती है और बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए जो है पद्य का सहारा लिया जाता है। पहले जब गद्य का विकास, जब टंकण इत्यादि का, टाइप इत्यादि का जो युग प्रारंभ हुआ, तो टंकण के युग में जो है गद्य का विकास हुआ। गद्य का जो विकास, हिंदी गद्य का विभाव जो है 19वीं शताब्दी में हुआ ना, और 19वीं शताब्दी में जैसे एक आचार्य बेठल नाथ ने श्रृंगार रस मंडल या गोकुलनाथ का जो ब्रज भाषा में 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, जिसके लेखक हैं गोकुलनाथ जी, अष्टयाम नाभादास का है, अगहन महात्मा वैकुंठ मन शुक्ल का है, अगहन महात्मा और वैशाख महात्मा, जिसमें गद्य का पुट हमें मिलता है, गद्य का अंश हमें मिलता है। और खड़ी बोली गद्य का विकास, देखिए खड़ी बोली गद्य का जो विकास है वह है 10वीं शताब्दी में हमें प्राप्त होता है। जो खड़ी बोली गद्य का विकास है उसमें हेमचंद सूरि का उल्लेख होता है। इनका एक व्याकरणात्मक ग्रंथ है हिंदी शब्दानुशासन, हेमचंद का जो है हिंदी शब्दानुशासन। ये पूछा जाता है कभी कि हिंदी का शब्दानुशासन किसका है, हेमचंद सूरि का। देखिए भारतेंदु जो गद्य का तो विकास भारतेंदु युग में हो गया था, लेकिन भाषा को परिष्कृत और परिमार्जित करने का श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर द्विवेदी युग का जो है क्या हो गया था, सृजन हो गया था। तो भारतेंदु युग से पूर्व कुछ जो गद्य के प्रमुख, चार प्रमुख गद्य लेखक माने गए हैं, उसमें मुंशी सदा सुखलाल कौन है,
मुंशी सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खा, जिनकी भाषा चटकीली मटकीली रंगीली थी भाषा, और लल्लू लाल भी भारतीय युग से पूर्व जो है गद्य का गद्य में साहित्य जनकर चुके थे, जिनके गद्य का नाम था प्रेम सागर, और सदल मिश्र का जो था नासिकेतोपाख्यान। देखिए इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको कि जैसे पूछ लेता है कि सुख सागर किसकी रचना है, तो मुंशी सदा सुख लाल की। पूछता है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, इंसा अल्लाह खा। पूछ लेता है कि प्रेम सागर किसका है, लल्लू लाल का, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता या लेखक कौन है, तो सदल मिश्र, जिनकी रचनाओं में पूर्वीपन मिलता है, पूर्वीपन इनकी भाषा में मिलता है। अब देखिए गद्य जो है, गद्य का आपकी जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। शुक्ल युग को हम छायावादी युग के नाम से भी जानते हैं, और इस युग को प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावादी युग के नाम से भी जानते हैं, और इसमें शुक्ल युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो योगदान महत्वपूर्ण है, इसमें नंदलाल वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य विश्वनाथ मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और डॉक्टर मोहन अवस्थी का नाम जो है शुक्ल युग के अंतर्गत हम इन्हें रखते हैं। और एक है शुक्लोत्तर युग, अर्थात शुक्ल युग के बाद में जो हिंदी गद्य के लेखक हुए, उसमें जैसे रामविलास शर्मा का नाम है, और प्रेमचंद के बेटे जो अमृत राय, जिन्होंने जीवनी लिखी प्रेमचंद पर, कलम का सिपाही, या महादेवी वर्मा, रामवृक्ष वेणीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, ये सब आते हैं। और जैसे पांडवचंद शर्मा उग्रे की अपनी खबर, या हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलू क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, दस द्वार से सोपान तक, ये शुक्लोत्तर युग के, ये छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग के गद्य लेखक माने जाते हैं। ये गद्य लेखक हैं, कहते हैं जिसमें अज्ञेय जी हुए, ठीक ना, मन्नू भंडारी, धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र आदि के नाम। और देखिए गद्य निबंध, एक चीज और समझ लीजिए कि निबंध है क्या, जैसे बहुत से विद्यार्थी आप निबंध पढ़ने जाए, निबंध पढ़ेंगे इसके पहले, अब इसके बाद में, अब निबंध है क्या, नी माने अच्छी तरह से, नी माने अच्छी तरह से, अवबंध माने बधा हुआ, नी माने अच्छी तरह से, और वध माने, नी माने अच्छी तरह से, और वध माने जो है बधा हुआ, अर्थात साहित्यकार की, रचनाकार की जो विचार होते हैं वह अच्छी तरह से बद्ध होते हैं, जो गद्य होता है उसमें लेखक या साहित्यकार के विचार जो है वह अच्छी तरह से बधे हुए, तो उसमें विचारों का जो प्रस्फुटन होता है उसमें लेखक के भाव जो है पूरी तरह से, उसमें विचार जो है बड़े ही भावपूर्ण, और निबंध जो होता है वह आत्मपरक होता है, उसमें आत्मीयता भावमयता के साथ साथ विचारों को तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति होती है, ऐसी साहित्यिक रचना को हम निबंध कहते हैं। निबंध जो है
विचारात्मक, भावात्मक, वर्णात्मक और विवरणात्मक होते हैं। निबंध में जैसे अनेक विधाएं, कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण, इतना ही।